महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर चुनाव जीतने के लिए बालासाहेब ठाकरे और पीएम मोदी के नामों का इस्तेमाल करने और फिर बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का आरोप लगाया है। इन आरोपों पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पलटवार करते हुए एकनाथ शिंदे को आड़े हाथों लिया है। तो क्या कहा है संजय राउत ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासी घमासान में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सीएम एकनाथ शिंदे के आरोपों का आज संजय राउत ने करारा जवाब दिया है। शिंदे ने कहा था कि विधानसभा चुनाव में शिवसेना के उम्मीदवार पीएम मोदी और बालासाहेब के नाम पर चुनाव जीते थे, जिसे लेकर ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे इन दोनों ने कल कूटनीति की बात की है कि हम एनसीपी के साथ गए हैं तो ये कूटनीति है। ढाई साल पहले हमने एनसीपी और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किया था वो क्या था? आप जो करें वो कूटनीति और हम जो करें क्या वो बेईमानी है? आप बेईमान हैं और आप जैसे लोगों को सत्ता से दूर रखने के लिए हमने भी 2019 में वही कूटनीति की थी जो आप अभी कर रहे हैं। राउत ने देवेंद्र फडणवीस को उनके उस बयान पर भी जवाब दिया है जिसमें फडणवीस ने कहा था कि उद्धव ठाकरे ने अपने हाल के विदर्भ दौरे पर वहाँ की पोहरा देवी की झूठी कसम खाकर कहा था कि 2019 में उनकी अमित शाह से ढाई ढाई साल मुख्यमंत्री पद पर सहमति बनी थी, जिस पर संजय राउत ने कहा कि कल ठाणे में कॉमेडी मेले के दो शो हुए। शो में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कई कार्यकर्ता मौजूद थे। कसमों के बारे में ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने पोहरा देवी की झूठी शपथ ली, दरअसल ये पोहरा देवी का अपमान है। सुबह से मुझे उस समुदाय के कई लोगों के फोन आ रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस हमारी पोहरा देवी का अपमान कर रहे हैं। पोहरा देवी की शपथ कोई झूठी नहीं खाता, ये एक जागृत तीर्थ है। संजय राउत के इस पलटवार से सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान फिर सवालों में है, क्योंकि खुद के बचाव में सीएम अक्सर उद्धव को कटघरे में खड़ा करते हैं। जीबी लाइव की रिपोर्ट।